इस बॉलर ने इतने रन लुटाए कि बना बैटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 78 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ एक विकेट और लुटा दिए 276 रन। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में किसी गेंदबाज का यह प्रदर्शन निश्चित तौर पर निराश करता है। रिकॉर्ड बुक खंगाले तो 143 वर्षों के टेस्ट इतिहास की एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का यह दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है, और यह गेंदबाज कोई और नहीं राजेश चौहान रहे हैं। यह भारतीय ऑफ स्पिनर 1997 में श्रीलंका के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर में खुद निशाना बना है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम खेले गए टेस्ट मैच में कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीता और पहले खेलने का फैसला किया। सचिन, नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने 537 रन और 8 विकेट बनाकर पारी घोषित की थी। प्रेमदास के शांत पिच पर इसके बाद जो भी कुछ हुआ वह इतिहास बन गया। श्रीलंका ने इंग्लैंड के 903 पर 7 विकेट का रिकॉर्ड को भंग कर 952 पर 6 विकेट का पहाड़ खड़ा कर दिया, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सनत जयसूर्या ने उस विशाल पारी में अकेले 340 रन बनाए, जबकि रोशन महानामा के बल्ले से दोहरा शतक निकाला। साथ ही अरविंद दिशलवा ने 126 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान अर्जुन रणतुंगा 86 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय स्पिनरों का बुरा हाल रहा। राजेश चौहान, अनिल कुंबले और डेब्यू कर रहे नीलेश कुलकर्णी ने क्रमशः 78 ओवर में 276 और 72 ओवर में 223 और 70 ओवर में 195 रन खर्च किए थे और तीनों को एक विकेट से संतोष करना पड़ा। नीलेश कुलकर्णी ने डेब्यू की पहली गेंद पर मरवन अट्टापटू को विकेट झटका था, लेकिन उस टेस्ट मैच में वह इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाए।